हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी ये छह कली वाला डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन का डोरमेट। उसके लिए हमने ये चुन्नियाँ फाड़ी हुई हैं तीन कलर में, एक रेड में, एक येलो में और ये पेन में। इस तरह से आप चाहे साड़ियाँ ले लीजिएगा, चाहे लहंगी ले लीजिएगा, उनको काट के बना लीजिएगा इस तरह से। और ये पट्टी देखें, इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है। अब इसमें देखें, इस तरह से हम नोट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से एक इसकी लगाएंगे तो एक रेड की लगाएंगे। और इनको इस तरह से हम फैला लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमने फैला लिया है। यहाँ पे देखें, इस तरह से हम इसमें एक सेफ्टी पिन लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने पिनअप कर ली। अब देखें, यहाँ से हम नॉट लगाएंगे। रेड से हमने शुरू किया इस तरह से, ये वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हम पूरा राउंड लगाएंगे। ये जो हमने कलर लगाए हैं वो सारे कलर इसी तरह से लगेंगे। ये देखें, मैं रेड लगा लिया, अब हम पीला लगाएंगे। ये इसी तरह से हम पूरा राउंड लगा लेते हैं, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। रेडी पे आके हमने ये रेड बना लिया। अब देखें, दूसरे वाले राउंड में हम ये इस तरह से पट्टी लगाएंगे। एक इधर साइड लगाएंगे, फिर अब की बार जब हम जिस राउंड को घुमा के फिर इधर साइड पे लगाएंगे। अब देखें, इस वाली पट्टी को नहीं हम नॉट लगाएंगे इसमें, आप पीले से लगाएं। अब पीली वाली एक पट्टी और इसमें डालेंगे। अब इसमें हम पट्टियां लगाएंगे इसी तरह से। ये दो बना हमने यहाँ पे पट्टी लगा दी है, इसी तरह से हम ये दो बना लेंगे तो यहाँ पे लगा लेंगे, फिर ये दो बना लेंगे तो ये पीले पे लगा लेंगे, फिर इस पे लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसमें पट्टियाँ एक भी नहीं लगाएंगे, ना इस पे ना किसी पे नहीं लगाएंगे। फिर जब हम इधर आएंगे तब हम पट्टियाँ स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसी तरह से इस राउंड को हम बना लेते हैं। अब पहले हमने इधर लगाई थी पट्टी, अब हम इधर लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से लगाना है, इसको नहीं बुनेंगे। फिर हमें यहाँ पे लगानी है पीले की, इसी तरह से हम लगाते जाएंगे। फिर अब की बार फिर हम इधर से लगाएंगे,
इधर से लगाइए फिर इधर से लगाएंगे, तो ताकि ये अच्छे से इसकी सेटिंग आ सके। मैंने बना लिया है इसको और हमने इसमें 5 पट्टियां लगाई हुई हैं। इस तरह से देखें, ये हमारी शुरुआत थी, यहाँ से हमने पट्टियां लगाई हैं। एक सर्किल हमने यहाँ पे सादा बुना है, फिर एक पट्टी लगाई, फिर एक सादा बुना, तो इसी तरह से हम ऊपर तक आए हैं। तो 5 पट्टियां हमने लगा ली हैं। इसमें देखें कितने हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 12 सर्कल हमने इसमें बनाए। अब ऊपर बनाने के लिए देखें, एक अंगूर की तरफ हम इसको छोड़ देंगे और बाकी हम सब कटिंग कर लेंगे इनको, फिर इनकी जगह पे हम नए कलर लगाएंगे। और इसको सिल, और ये देखिए हमने ये पर्पल कलर लगाया है और इस पे कलर पे रेड लगाया है। इसी तरह से हमने ये उनमें सिल लिए हैं। ये देखो मैंने कलर चेंज कर लिए थे। अब हमने ये वाली देखे कली बनाई हुई है ऊपर की साइड पे, ये 5 कलियां मैंने बना ली हैं। और जो ये देखे एक कली मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखे 3 पट्टियां मैंने इधर साइड कर दी और 3 पट्टियां मैंने इधर साइड कर दी। अब बीच में हमारे पास 6 पट्टियां बची हुई, तो 6 पट्टियों में देखें इस तरह से हमने एक पट्टी उठाई और इस तरह से हम इनमें बुनाई कर, 2 पट्टियां लगाने हैं। देखें 2 पट्टी मैंने लगा ली, ये 2 पट्टी लगा ली। अब इस पट्टी को हम यहीं छोड़ देते हैं, इधर की हम उठाएंगे। तो 2 पट्टियां मेरे पास ये है, तो देखें 2 पट्टियों में इधर साइड से बनाऊंगी, ये देखें। और यहाँ पे देखें इस तरह से हम नॉट लगाएंगे। डबल नॉट लगा दी। अब देखें जो हमने 3 पट्टियां इधर साइड पे छोड़ी हैं, उसमें से एक पट्टी उठाएंगे और इन पट्टियों में इस तरह से हम नॉट लगा देंगे। अभी हमने 2 पट्टियों में नॉट लगाई थी, अब 2 में लगा ली, अब तीसरी पट्टी ये है, तो 3 पट्टियों में नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब इधर जो 3 पट्टियां छोड़ी हैं, इधर से एक उठाएंगे इस तरह से और इसमें हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। देखें मेरे पास 3-3 पट्टियां हो गई। अब यहाँ पे हम इस तरह से नॉट लगाएं, जो ऊपर वाली इधर की एक आती है पाइपिंग वाली पट्टी और इधर की पाइपिंग वाली पट्टी, इस तरह से इसमें हम नॉट लगा देंगे। अब देखें इस तरह से फिर से यही पट्टी लगाएंगे। अब 2 पट्टियां रह गई हैं, एक इसको कर लेंगे, इधर से एक कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको ये देखो मैंने पूरी पट्टियां लगा ली हैं। अब यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, इस तरह से नॉट लग जाएगी, तो ये पूरी कली बनके तैयार हो गई। ये देखें रेड के ऊपर हमने येलो लगाई है, इसी तरह से हमने कलर चेंज कर लिए हैं। ये देखो हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। ये इसी तरह से आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकती हैं